बताओ तुम अपने चैटबुक पे क्या बहुत सीरियस डिस्कशंस करते हो? मुझे अपना चैटबुक अकाउंट चेक किए हुए सदियां हो गई हैं। फ्री टाइम में करा करो चैटिंग, फ्रेंड्स बनाओ, थोड़े सोशल हो जाओ यार, टाइम्स हैव चेंज्ड। ये लीजिए भाभी जी, आपका ये चैटबुक अकाउंट खुल गया, अब आप जिससे चाहें जब चाहें बात कर सकती हैं। हाँ दया, अभी क्या कहा आपने? हमने कहा कि अगर आप भाभी जी के साथ मॉडलिंग नहीं करना चाहते तो ना करें, हम कर लेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है भाभी जी। That's perfect, विभु। उनको लिख दो के हम पानबा। ये विभूति भैया हमारी भाभी माँ को बहुत बोल करते हैं, आज हम इनको सबक सिखाते हैं। का भरभूति जी, कछु काम धंधा नहीं है का आपके पास? भाभी जी का मैसेज आया, का भरभूति जी कछु काम धंधा नहीं है आपके पास। ये कैसी बात लिखी भाभी जी ने यार। भाभी जी बेचारे सीधी साधी, उन्हें क्या पता चैटबुक में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, है ना? एक मिनट, भाभी माँ, विभूति भैया ने आपको मैसेज दिया है। कहाँ मैसेज किया है? वो लिखे है कि आप क्या कर रही है। हदिया, हम उनसे चैट कर रहे हैं ना, तो लिखो कि बात कर रहे हैं। आया, भाभी जी का मैसेज आया, कमाल है, भाभी जी बड़ा फास्ट फास्ट जवाब दे रही हैं। क्या लिखा है? काम कर रहे हैं और आपकी तरह नल्ले तो नहीं घूम रहे हैं। कमाल है यार भाभी जी, ये बड़े अजीब से जवाब दे रही हैं। एनीवे, भाभी माँ, विभूति भैया ने लिखा है कि आप बहुत अच्छी चैटिंग कर रहे हैं। दया, उनको लिखो थैंक यू। अभी लिखते हैं भाभी माँ। कभी हमारे घर पर आके पकाते हो, अब चैटिंग करके पका रहे हो। भाभी जी, वो क्या हो गया यार, क्यों इतनी कड़वी बातें कर रही हैं, एकदम लड्डू की भैया की तरह। एनीवे, भाभी जी आपने हमें, विभू, अरे अभी तक बाथरूम में, विभू, अरे विभू, क्या है डार्लिंग, फ्रेश हो रहा हूँ भाई। अरे कितनी देर से फ्रेश हो रहे हो तुम, बहुत देर होगी, अब तुम बाहर आ जाओ। अभी तो घुसा हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो, बहुत अर्जेंट बात है, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ बस। कम ऑन अनु, आ रहा हूँ ना यार। आओ ना बाहर। ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई है यार, अब भाभी जी हमें हर्ट कर रही हैं, ये अनु बवाल कर रही है। अब आओ बिना विभू। क्या कर रहे थे तुम बाथरूम में? जो सब करते हैं वही कर रहा था, नथिंग न्यू, फ्रेश हो रहा था। और ये लैपटॉप भी तुम्हारे साथ गया था बाथरूम में फ्रेश होने? नहीं, ये रिफ्रेश हो रहा था। क्या? अरे तुम ये क्या कुछ इस पे डाउनलोड करती रहती है, अगड़म बगड़म, हैंग हो गया था, इसको रिफ्रेश कर रहा था। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है, वो तो मेरे लिए अदरक की मसाले वाली तुलसी वाली चाय बनाते हो ना, वो बना दो ना। तो ये अर्जेंसी थी क्या? हाँ यार, इतने देर में तुम खुद चाय बना लेती यार, कम ऑन अनीता। नहीं विभू, तुम कितनी अच्छी बनाते हो, तुम्हारी वाली चाय पीने का मन कर रहा था। हेलो, ये और कुछ नहीं से तुम्हारा आलसीपन है। आ, 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 तुम जल्दी से बना, कम कम कम, गो गो गो। हस्बैंड ने कुत्ता पाल रखा। मसाले वाली, लव यू। ए गुलबदन फूलों सी महक काटो सी चुबन, तुझे देख के कहता है मेरा मन। बस कर, घर तक छोड़ के आएगो के? कमाल कर रहा। ए सक्सेना जी, ए जे का लिख रहे हो? तुम लोगों की समझ से परे है। ऐसी कौन सी महाभारत लिख रहे हो जो हमारी समझ से परे है? कॉपीराइट कर रहा हूँ। अब आ तो मैं भी दिख रहा है कि कॉपी में राइट कर रहे हो। ए जेमे का नई बात है रही, जो बताओ। देखो भाई, ये जो किसी प्रोडक्ट के लिए जो विज्ञापन होता है, उस विज्ञापन को लिखना, उसको बोलते हैं कॉपीराइट करना, समझे? अच्छा, जो टीवी में आता है। हाँ, जो टीवी में आता है,
आते हैं। क्यों बे लौंडो, पका रहे हो सक्सेना जी को? नाना तिवारी भैया, सक्सेना जी ना विज्ञापन को एड लिख रहे हैं। विज्ञापन और एड एक ही चीज होती है गधों। सक्सेना जी, आप भी एड बनाते हैं? जी भैया। हमें तो लगा शायद आप सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। आई लाइक इट। वैसे भैया, कानपुर के लोकल चैनल जितने हैं ना, उनमें जितने भी एड आते हैं, आधे से ज्यादा मैंने लिखे होते हैं। अरे वाह, तब तो आप बहुत काम की चीज है। सक्सेना जी, आप हमें मॉडल बनने के टिप भी देंगे? मॉडल बनने के टिप? हा? क्यों भैया, आपका कच्चे बनियान का खोखा तो बहुत अच्छा चल रहा है ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जो अनीता भाभी है ना, वो एक एड बना रही है और हमें अपने साथ मेन मॉडल ले रही है बे। तो जरा टिप विप दीजिए ना। हाँ भैया, अनीता भाभी एड बना रही है? अच्छा, पता नहीं था मैं। देखिए भैया, टिप इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जो यानी एक अच्छा नमूना बनने के लिए, सबसे नमूना बनने के लिए, क्या मतलब हम आपको नमूने लगते हैं? अरे नहीं 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 भैया, नमूना का नमूना वो मतलब यानी मॉडल को हिंदी में नमूना कहते हैं। अच्छा जी, तो अच्छा एक नमूना यानी मॉडल बनने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को एकदम फिट करें। बॉडी फिटनेस, उसके लिए टाइम नहीं है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। तो फिर आप एक काम करें, आप कैटवॉक सीखिए। सिखाइए क्या होता है वो? मोए आते कैटवॉक करके दिखाऊं? दिखा, अभी लो। वाह, लग जा लग जा लग जा। पहले यूं सीधो खड़ा होना है, सही, और घूर घूर के देखना है सबको। फिर ऐसे बैठ जानू है और फिर चलना है। मैं ऐसे वेरी गुड, आई लाइक इट। भैया इन मस्खरों को छोड़िए आप। देखिए, ये बॉडी का जो जेस्चर पोस्चर है ना, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। आपके करियर का सवाल है भैया, ये स्टाइल में टर्न पक्का बात है। अच्छा आगे ये है ना बॉडी का जेस्चर पोस्चर भैया, आइए ट्राई कीजिए, समझ गया ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा सीधा रखिएगा, पेट थोड़ा सा, चलिए। भैया जी बिल्कुल असली वाले लग रहे हो, थोड़ा सांस खींच लो, पेट अंदर को ले लो। गुड। लड्डू के भैया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। भाभी जी, रंगून तो बहुत दूर की बात है, लड्डू के भैया की चिपलून जाने की औकात नहीं है। अका बोले? अब कुछ नहीं, ये बताइए कैसे हैं? ठीक बा, आपसे चैट करके बहुत अच्छा लगा। आपको मुझसे चैट करके अच्छा लगा? हाँ, हमको बहुत मजा आया। कमाल है, भाभी जी ने चैटिंग के बहाने हमारी औकात निकाल कर रख दी और कह रही है कि इन्हें अच्छा लगता है। अका सोच रहे हैं? भाभी जी, मैं कह रहा था कि अगर आपको मेरी बेइज्जती करके इतनी खुशी मिलती है तो कहिए, मैं दिन में दोबारा आ जाया करूंगा, आप मेरी बेइज्जती करिए दिल भर के, इतना चाहे उतनी बेइज्जती करिए। ओ भरभूति जी, आप क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ तो हमारी भी नहीं आ रहा है, लेकिन इस मौजू पे एक शेर आ रहा है। कर दीजिए कर दीजिए, फिरोजाबाद फिरोजाबाद। भाभी जी, इट्स नॉट कर दीजिए, इट्स अर्ज कीजिए, एंड इट्स नॉट फिरोजाबाद, इट्स इरशाद। सही पकड़े हैं भाभी जी। अर्ज किया है, मेरे पिताजी की बहन मेरी बुआ लगती है, मेरे पिताजी की बहन मेरी बुआ लगती है, तेरी दी हुई गाली चुकर मुझे दुआ लगती है। आपको पसंद नहीं आया क्या ये शेर? ये बुआ कहाँ से आ गई? एक्चुअली क्या भाभी जी, कि वो मुझे काफिया नहीं मिल रहा था, तो मैंने बुआ जी को डाल दिया, यू नो, टू बैलेंस इक्वेशन। क्या होता है कई बार आपको जब शेर को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक बात,
आप रात को जागेंगे का आज? आप कहें तो मैं ताउम्र ना सोऊं? नहीं नहीं, सोइए सोइए, हम आज रात को लाइन पर आना चाहते हैं आपके। भाभी जी, आप आप मेरी लाइन पर आना चाहती हैं? मेरी लाइन पर आना चाहती हैं? हाँ। गॉड गॉड, अच्छा कि आपने लड्डू के भैया की लाइन छोड़ दी। He's a loser, born loser है वो। हाँ, लड्डू के भैया तो लाइन पे है ही नहीं। हाँ, हम उनको कितनी बार बोले चार्ट अकाउंट खोलिए और लाइन पे आइए, लेकिन वो आते ही नहीं हैं। तो आप ये ऑनलाइन चैटिंग की बात कर रही थी? हाँ। भाभी जी, आपकी जो ये मासूमियत है ना, ये कई बार दिन में बड़ी खुशफहमियां पैदा कर देती है। हाँ, क्या बोले? चलता हूँ। हाँ, तो अम्मा जी को लिखो मिसिंग यू। वो मिसिंग यू होता है भाभी माँ। सही पकड़े हैं। लिखो लिखो। हाँ, भी लिखता हूँ। जरा देखें भाभी जी ऑनलाइन है कि नहीं। अरे वाह, भाभी तो ऑनलाइन है। होप कि आज भाभी जी अच्छी तरह से बात करें। भाभी माँ, आपको विभूति भैया ने हाउ आर यू का मैसेज भेजा है। अरे यार, लाइन पे आ गए वो। अच्छा, उनको लिखो आई एम ठीक बा। ठीक है भाभी माँ। आया, भाभी जी का मैसेज आया। हम तो ठीक बा, लेकिन आपको लगता है बेचैनी की बीमारी हो। रात में आप हमको डिस्टर्ब काहे कर रहे हैं? यार, ये भाभी जी को चैटिंग करते वक्त पता नहीं क्या हो जाता है, क्या दौरे पड़ने लगते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। भाभी जी, आप चैट बुक पर हमसे इतनी नफरत से बात क्यों करती हैं? कहीं आपको लड्डू के भैया तो नहीं भड़काते? और क्या मैसेज भेजे है भरभूती जी? भाभी माँ, वो कह रहे हैं कि भाभी जी, मैं आपको पका तो नहीं रहा हूँ। हाय दया, उनको लिखो ना ही ना ही, आप पका ना ही रहे हैं। लड्डू के भैया के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, वो आपसे लाख गुना अच्छे हैं, आपके जैसे नहीं है। दिस लड्डू का भैया बड़ी हेल्प विद इट। कैसा हूं मैं भाभी जी, बताइए मैं कैसा हूं? बहुत ही चालू टाइप के हैं। चालू मैं नहीं, चालू वो है। क्या कह रहे हैं वो? और हाँ भाभी माँ, भैया की बुराई कर रहे हैं वो। वो कह रहे हैं कि भैया कंबल में घी पीने वाली पार्टी है। हाय दया, ऐसे कह रहे हैं वो? उनको बोलो हमको बात ना ही करनी है, ना ही चैट करना है, अब हम सो रहे हैं, गुड नाइट। ठीक है भाभी माँ। हमको आपसे चैट नहीं करनी है, आप कंबल में घी पीने वाली पार्टी है? आप नल्ले हैं? हमारे लड्डू के भैया शरीफ हैं। प्यारे जी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, गेम्स खेल रहे ना आप मेरे साथ। अभी जी, आपको जो ये लड्डू के भैया के ऊपर अंधविश्वास है ना, अगर मैंने उस अंधविश्वास को तार तार ना कर दिया तो मेरा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। लड्डू के भैया और हम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, लड्डू के भैया के नैनों के भूल भुलैया में अंगूरी खो जाए। भाभी माँ, क्या हुआ लड्डू? भाभी माँ, आपको किसी अंग्रेज लड़की एंजेलिना ने फ्रेंड रिक्वेस्ट
अंग्रेज फ्रेंड होगी तो हमारी अंग्रेजी और अच्छी होगी, है ना? ये लीजिए भाभी माँ। भाभी माँ, उसने तो आपको मैसेज भी भेज दिया। कहाँ मैसेज भेजा है? भाभी माँ, वो आपको हाय ग्रेप्सी बुला रही है। अरे यार, ग्रेप्सी कहाँ होता है? भाभी माँ, वो अंग्रेज में आपका नाम होता है। नहीं नहीं, उसको लिखो के अंगूरी ही ठीक है। वाह, ये लीजिए भाभी माँ। भाभी माँ, वो आपको पूछ रही है कि मेरा मोनू डार्लिंग कैसा है। अरे ये मोनू डार्लिंग कौन है? ये मोनू डार्लिंग कौन है? भाभी माँ, वो तो भैया को मोनू डार्लिंग बुला रही है। का? उसकी इतनी हिम्मत कि वो ब्लडू के भैया को मोनू डार्लिंग बुलाए? हाँ भाभी माँ, वो कह रही है कि मोनू मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके साथ मेरा चक्कर चल रहा है। अरे यार, और वो कह रही है कि उससे मिलने में कानपुर आई हूँ। अरे यार नहीं। भाभी माँ, वो कह रही है कि मोनू मुझसे मिलने वाला है और उसको मैं अपने साथ हॉलीवुड ले जाऊंगी। भाभी माँ, आप टेंशन मत लो, मुझे पक्का यकीन है कि आपके साथ कोई मजाक कर रहा है। मजाक? हाँ, मजाक ही तो कर रहे हैं। नहीं तो आज तक मैंने किसी लड़की को आपके अलावा भैया से इम्प्रेस होते हुए नहीं देखा। ये तुम सही कह रहे हो ना? 100% सच भाभी माँ। ठीक है। भैया का और वो का इतनी ब्यूटीफुल अंग्रेज लड़की, अब फिर भी उसको पूछो कि उसके पास का सबूत है कि लड्डू की भैया ही उसके बॉयफ्रेंड है। ठीक है भाभी माँ। ये एंजेलिना तो हमको अंदर से हिला के रख दिए हैं। भाभी माँ, वो एंजेलिना है। सही पकड़े हैं। भाभी माँ, उसका जवाब आ गया। अकाल लिखती है वो नासपीटी। उसने लिखा है कि मोनू का दिल चीर कर देखो, उस पे मेरा नाम लिखा है। भाभी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, जरूर आपके साथ कोई मजाक कर रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉग आउट कर देता हूँ, वरना आप फिर से टेंशन में आ जाओगे। मोनू। अनीता जी। हरे अंगूरी जी, आइए आइए। कैसे बा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बैठे ना। अनीता जी, हमको आपसे एक काम था। अरे बताइए ना अंगूरी जी। अनीता जी देखिए ना, इन लड्डू के भैया की जो शर्ट है, इस पे जो दाग गिरा है, इसको कितनी बार धुलाई किए है लेकिन दाग निकलता ही नहीं है। अंगूरी जी, ये तो सिर्फ 2 मिनट का काम है, आप इसे एरियल से वॉश कीजिए। एरियल एक धुलाई में दाग हटाता है, सबसे बेस्ट। अच्छा? हाँ, और शर्ट को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ऐसा है का? Of course, विभू घर के सारे कपड़े एरियल से धोता है, इसीलिए तो सारे कपड़े बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। सही पकड़े हैं। अरे साला, मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लन। अंगूरी, अंगूरी आ रहे हैं, आ रहे हैं। तुम्हारी घूरन क्रिया समाप्त हो गई हो तो जरा बताओ कि हम कैसे लग रहे हैं। हाय दैया, कहीं लड्डू के भैया ये भेस उस अंग्रेजन के लिए तो नहीं बनाए हैं? क्या हम कुछ पूछ रहे हैं पगली? क्या पूछ रहे हैं? हमने पूछा कि हम कैसे लग रहे हैं। इस सर पे घोंसला काहे रखे हैं? अरे तुम भी ना एकदम भोली हो। अरे ये स्टाइल है पगली। ये का स्टाइल है? हाँ, इन लड्डू की पैंट काहे पहने हैं? ये सरप्राइज हम तुम्हें बाद में देंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे। कौन सा सरप्राइज? बस ये समझ लो कि बहुत जल्द हम हॉलीवुड जाने वाले हैं।
हाय दया, अंजलिनिया भी बोल रही थी कि वह लड्डू के भैया को हॉलीवुड ले जाएगी। क्या हुआ? काहे हॉलीवुड में जाना चाहते हैं? अरे वो हॉलीवुड होता है पगली। सही पकड़े हैं। जब जाएंगे तब बताएंगे। हम आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये सवाल पहले तो तुमने कभी नहीं किया, आज अचानक कैसे कर दिया? तो पहले भी तो आपने ऐसे कपड़े ना ही पहने ना। क्या लगता है हमें इन कपड़ों में देखकर लड़कियां हम पे मर मिटेंगी? नहीं, हमको तो ना ही लगता। तो जाओ अपना काम करो, फैशन के बारे में कुछ अता पता है नहीं, जाओ। एंजेलिना माय डार्लिंग, एक मिनट यहाँ आओ, यहाँ आओ। ये क्या क्या गाया? एंजेलिना माय डार्लिंग। वो मोनिका ओ माय डार्लिंग ये होता है। हमको एंजेलिना गाना है, आपको कोई प्रॉब्लम है का? अंगूरी भी पता नहीं कौन से गियर में रहती है। खैर अंगूरी की माया अंगूरी ही जाने, हम तो भाभी जी की माया में है। हाँ हाँ मेरी तैयारी चल रही है, बस जैसे ही मैं शूट करूंगी तुझे दिखाती हूँ एड। हाँ, मेरा मॉडल तैयार है ना? नहीं नहीं विभू नहीं कर रहा ना। अरे वो हमारे जो पड़ोसी है ना तिवारी जी, हाँ उनको लिया है मैंने मॉडल। अरे नहीं, वो एकदम परफेक्ट सूट होते हैं उस पे। हाँ